जैन दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूँ। जैसे कि दोस्तों आप सबको पता है कि झारखंड सरकार ने जो है नई नियोजन नीति लागू की है, और इस नियोजन नीति में बहुत सारी चीज़ें जो है गलत भी हो रही है, जिसको लेकर विरोध होना भी बहुत ज़्यादा शुरू हो चुका है। आप लोगों ने भी ट्विटर में भी बहुत ज़्यादा विरोध किया। इसके बावजूद जो है सरकार अभी जो है गजट जारी किया है, और इसमें दोस्तों उत्पाद सिपाही को लेकर भी एक बड़ी अपडेट है, ठीक है, जिसके बारे में मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे उत्पाद सिपाही की बात करूँ, तो जब हम लोग का पिछला बार जो वैकेंसी निकली थी उसके बाद दोस्तों लगभग एक साल चुका है, इसमें कुछ अपडेट नहीं था, ठीक है। रनिंग होने वाला था लेकिन रनिंग हो नहीं पाई है, और ना ही एग्जाम हुआ था, ठीक है। तो लगभग सरकार ने 12 एग्जामों को दोस्तों उस टाइम जो है नियोजन नीति के कारण दोस्तों साइड हटा दिया था। अब दोस्तों क्या होगा कि जितने भी एग्जाम को 12 लगभग एग्जाम थे, उन सबों का दोस्तों अपडेट सरकार ने कर दिया है। लगभग हर एक चीज़ में दोस्तों उन्होंने सुधार किया है एग्जाम को लेकर खास करके। तो यहाँ पे दो चीज़ें अपडेट हुई है उत्पाद सिपाही को। आप सबको पता हो कि जो उत्पाद सिपाही था वो किस लेवल का था दोस्तों, तो मैट्रिक लेवल का था। तो मैट्रिक लेवल में दोस्तों दो चीज़ें यहाँ पे बदलाव हुए हैं एग्जामों में, ठीक है। पहला तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देखिए, जो वैकेंसी जब निकली थी तो वहाँ पर जो नोटिफिकेशन था उसमें क्या था दोस्तों कि जो भी फॉर्म को अप्लाई करेंगे उनका जो क्वालिफिकेशन होगा वो मैट्रिक पास होना चाहिए, और वो भी कहाँ पर होना चाहिए, तो झारखंड से होना चाहिए, ठीक है। और अभी जो दोस्तों अपडेट हुआ है उसमें दोस्तों ये कहा गया है, आप लोग यहाँ पे गजट देख सकते हैं, गजट में देखिए कि अभी अपडेट हुआ है कि आप लोग अगर मैट्रिक कहीं से भी किए हो, मैट्रिक इंटर, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग झारखंड में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इस चीज़ में सुधार होना चाहिए था, जो कि यहाँ पर हुआ है, ठीक है। और दूसरा जो फॉर्म निकला था नोटिफिकेशन, उसमें आप लोग देखिए कि जो क्षेत्रीय लैंग्वेज थे, ठीक है, क्षेत्रीय लैंग्वेज में क्या था दोस्तों कि 12 ही लैंग्वेज थे, ठीक है। तो उन 12 लैंग्वेज में दोस्तों दो लैंग्वेज को और जोड़ दिया गया है, ठीक है, हिंदी और अंग्रेजी को यहाँ पे फिर से जोड़ा गया है। तो अब क्या होगा दोस्तों कि उत्पाद सिपाही का अगर फॉर्म यहाँ पे अपडेट करने के लिए देता है तो बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा, या तो वो लोग एडिट करने के लिए आपको मौका देंगे, या फिर अगर फॉर्म फिर से वो रीओपन कर सकते हैं। क्यों रीओपन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ों पर उन्होंने प्रमुख बदलाव किए हैं। और ऐसे में बहुत सारे लड़के उस टाइम क्या हुए थे कि झारखंड से नहीं मैट्रिक होने के कारण फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए थे, ठीक है। तो एक तो वो कैंडिडेट को अभी फिर से आना पड़ेगा, तो कंपटीशन लेवल जो है फिर से बढ़ने वाला है आप सबका। और ऊपर से नियोजन नीति के ऊपर दोस्तों बहुत ज़्यादा विरोध भी चल रहा है, तो विधानसभा सत्र चल रहा है, तो हो सकता है उसमें फिर से कुछ अपडेट हो, परंतु उम्मीद बहुत ही कम है अब फिर से जो है कुछ अपडेट होने का। यहाँ पे जितनी अपडेट होनी थी सरकार ने कर दिया है, और अब जो है सरकार का साफ तौर पर दोस्तों यही मंशा है कि अब जो है वो लोग किसी भी तरह एग्जाम को कंडक्ट कराना चाहते हैं, नई वैकेंसी लाना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको भी पता है कि अब सरकार का लास्ट अंतिम समय दोस्तों चल रहा है 2024 में जो विधानसभा इलेक्शन है। तो इसके दोस्तों मद्देनजर क्या है कि विधानसभा जो सत्र चल रहा है इसमें कुछ बदलाव होने के बहुत कम चांस है, इसलिए दोस्तों इन्होंने जो गजट को प्रकाशित कर दिया। गजट में दोस्तों साफ तौर पे इन दो चीज़ों पे दोस्तों बदलाव हो गए हैं, ठीक है। एक तो दोस्तों क्षेत्रीय लैंग्वेज, और दूसरा जो मैट्रिक इंटर का जो अनिवार्यता था झारखंड से होना, उस चीज़ को हटा दिया गया है, ठीक है। गजट भी प्रकाशित हो चुका है, तो अब जो है आप लोग को बहुत जल्द जो है नई वैकेंसियाँ देखने को मिल सकती है। और साथ में दोस्तों उत्पाद सिपाही का जो है आप लोग को या तो फॉर्म रीओपन करेगा सरकार, या फिर जो है एडिट करने के लिए आपको मौका देगी, ठीक है, जिसमें आप लोग क्षेत्रीय लैंग्वेज को भी चुन सकते हैं, और या फिर जो जिन्होंने जो फॉर्म नहीं भर पाए थे उस टाइम जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लड़के, वो लोग फिर से यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो यही था दोस्तों अपडेट आज का, ठीक है। और कुछ नई अपडेट अगर आती है तो मैं बहुत जल्द आपको जो है उसकी जानकारी देने वाला हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।